LTS में स्वागत है और आज हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी हम बताएंगे, ईयर ऑन ईयर भी बताएंगे, और जो इसमें एक बहुत अच्छी खबर है कि फेस वैल्यू 2 से फेस वैल्यू 1 पे होने जा रहा है, यानी कि स्प्लिट होने जा रहा है। तो जिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जिनके पास इस बैंक के शेयर्स हैं वो डबल हो जाएंगे, मतलब जिसके पास 100 हैं तो 200 हो जाएंगे, जिसके पास 1 है तो 2 हो जाएंगे, उदाहरण के तौर पे ऐसा। तो पहले मैं न्यूज़ पढ़ दूँ आपको, हालांकि ये 20 जुलाई की न्यूज़ है और 20 सितंबर यानी कि इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए यहाँ पे लाल बटन है और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। HDFC बैंक फिक्सेस सितंबर 20, 2019 एज रिकॉर्ड डेट फॉर स्टॉक स्प्लिट। तो 20 सितंबर को ये स्प्लिट होगा, उस दिन ये फेस वैल्यू 2 से 1 की हो जाएगा, आप लोगों के शेयर्स डबल हो जाएंगे। हाँ, जिन्होंने नहीं ले रखा तो वो 20 सितंबर से पहले लें रिकॉर्ड डेट से। जैसे मान लीजिए 20 सितंबर इसकी फिक्स डेट है तो आप 16 तारीख तक ले लें, क्योंकि दो दिन एक अल्टरनेट, इसलिए आप मान के चलिए कि ट्रेड टू ट्रेड डेज, मतलब जो डिलीवरी होती है कन्फर्म में, उसमें दो दिन लग जाते हैं। तो जो रिकॉर्ड डेट है उससे दो दिन पहले ही ले लीजिएगा जिसको लेना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सूचना दे रहा हूँ। और बाकी जो स्टॉक प्राइस है वो भी उसी दिन आधा हो जाएगा। उसका रीज़न ये होता है कि कंपनी हो या कोई बैंक को जब भी अपना शेयर के टुकड़े करती है या बोनस या स्प्लिट करती है तो सिंपल सा है कि प्राइस भी उसी हिसाब से, जितने टुकड़े होते हैं प्राइस के भी उतने टुकड़े हो जाते हैं, ताकि जो नए निवेशक हैं जिनको बहुत बड़ा प्राइस लगता है तो उनको थोड़ा सहूलियत हो, वो भी बाइंग कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इतनी बड़ी प्राइस का लेने से थोड़ा सा हिचकते हैं, या फिर जो ट्रेडिंग भी होती है, तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है उनमें भी बड़े स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी माल नहीं उठा पाते, क्योंकि बड़ा प्राइस होता है तो क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं उठा सकते, उनको इतना लेवरेज या इतनी मार्जिन की लिमिट हो जाती होगी या जो भी, व्हाटएवर। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, कुछ फंडामेंटल भी हम जानेंगे। एक प्राइवेट सेक्टर की बेहतरीन बैंक है और बैंक के बारे में तो सबको आपको पता है, तो इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। शायद जिनका अकाउंट होगा तो वो सब परिचित हैं, या जिनका नहीं भी होगा तो ये बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर की एक ज़बरदस्त नंबर वन बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की HDFC बैंक। पर्सनल लोन देती है, क्रेडिट कार्ड्स, कार लोन, डीमैट अकाउंट और फॉरेक्स का कंज्यूमर फाइनेंस, सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब प्राइस देख लेते हैं किस भाव पे ट्रेड हो रहा है। देखिए, आज है 19 अगस्त 2019, 11:40 और 2231 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है। साल का जो लो था 1884 तक गया था और हाई इसने 2502 यानी 2500, और अभी जो है 2500 से काफ़ी नीचे है। और हाँ, मार्केट कैप देखिए, अगर हम देखते हैं तो 6,09,701 करोड़ की है, बुक वैल्यू 563 की। और अगर हम पी देखते हैं तो 27 की है, अर्निंग पर शेयर जो है 80 की है और प्राइस टू बुक है 4.09, फेस वैल्यू 2 की है जो कि 1 की रह जाएगी 20 सितंबर को हो जाएगी, और डिलीवरेबल है 67% के आसपास। अब इस कंपनी की हम ग्रोथ देखते हैं, पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल देख लेते हैं। देखिए, अगर हम जून 19 यानी साल दर साल रेवेन्यू पे अगर देखते हैं तो 23,969 करोड़ थी जून 2018 में, तो वहीं सीधे जून 2019 में हो गई 29,176 करोड़ की, यानी कि ग्रोथ है, कहाँ 23 कहाँ 29। इसी तरीके से मार्च 2019 से अगर हम कंपेयर करते हैं क्वार्टरली, क्वार्टर फोर से जून 2019 यानी क्वार्टर वन पे, तो जहाँ 28,045 करोड़ की थी वहीं 29, तो यहाँ पे भी जो है अपसाइड है। और अगर हम सब कुछ स्किप करते हुए शुद्ध लाभ में पहुँचते हैं, नेट प्रॉफिट में, तो जहाँ जून 18 में थी 4,000 यानी 48 करोड़ के आसपास, वहीं हो गई 5,5600 करोड़ के आसपास, यानी यहाँ भी अपसाइड है ज़बरदस्त।
और लेकिन अगर हम मार्च 19 से क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन पे कंपेयर कर रहे हैं, मार्च 19 से जून 19 पे, तो यहाँ पे जहाँ मार्च 19 में थी 6,300 करोड़ की, वहीं डाउन साइड थोड़ी सी हो गई है 5,676 करोड़ की। तो शुद्ध लाभ में, नेट प्रॉफिट में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं थोड़ी सी डाउन साइड है, लेकिन ईयरली बड़े अच्छे हैं और नेट सेल्स भी यानी रेवेन्यू जो है इनका, ये भी इनका ज़बरदस्त है। अब अगर हम देखते हैं साल दर साल कोई बैंक कैसे परफॉर्म कर रहा है ये, या कोई कंपनी हो, तो हम पहले देखते हैं उसकी पास हिस्ट्री भी दी। अगर कोई स्टॉक लेने से पहले हमें थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हम पैसे और बड़ी प्राइस का अमाउंट अगर इसमें डालने को हम हैं, मैं कह नहीं रहा आपको कि आप लें इसमें, कोई रिकमेंडेशंस नहीं भाइयों, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये कंपनी या ये बैंक किस प्रकार का, इसका पहले का भी कामकाज रहा। तो अगर हम यहाँ देखिए मार्च 2008 से हर वर्ष 9, 10, 11, 12 से लेकर 19 तक के यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, तो हम सारे कंपेयर नहीं करेंगे, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, 2014 से पकड़ लेते हैं मान लीजिए। हालांकि कंसिस्टेंट ग्रोथ है, अगर आप देखें तो 10,000, 16, 16, 20, 28, मार्च 13 से पकड़ लें या मार्च 14 से पकड़ लें 42,000 के आसपास, मार्च 15 में 50,000, 16 में 63, 17 में 73, 18 में 2018 में 85,000 करोड़ और मार्च 19 में 1,00,000 पार हो गया। ये था रेवेन्यू। वहीं हम सब कुछ स्किप करते हुए नेट प्रॉफिट में भी आते हैं, तो देखिए अगर हम 2014 से भी पकड़ते हैं तो 8,700 करोड़ के आसपास था शुद्ध लाभ, 10,000 भी हो गया, नेक्स्ट ईयर में फिर 12,000 करोड़ हो गई, 15,000 करोड़ हो गई, नेक्स्ट ईयर में 2018 में 18,000 करोड़ हो गई और मार्च 19 में 22,000 करोड़ पार हो गया। तो जो बैंक कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है, जो लगातार अपना व्यवसाय के माध्यम से, अपना रेवेन्यू के माध्यम से, अपना शुद्ध लाभ के माध्यम से लगातार जो ग्रोथ कर रही है, वो तो आपको रिटर्न बना के देगी, क्योंकि जब खुद कमा रही है तो आपको भी कमाई होगी, सिंपल सी बात है। जो कंपनियां, जो बैंक कमा रही है, अच्छा बिजनेस चल रहा है उसका, मैनेजमेंट अच्छा है, तो डेफिनेटली अगर आप उसमें पैसा डालते हैं तो आपको भी अच्छा लाभ होगा, समझने वाली बात है। आप इसी बैंक में जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, तो फिक्स डिपॉजिट का नॉर्मली अलग अलग बैंकों का होता है, कोई 7% देती है, कोई 8% देती है, लेकिन अगर हम इसके कई सालों के रिटर्न भी मैं आगे दिखाऊंगा 8-9 साल के, तो कहाँ 9 साल में फिक्स डिपॉजिट डबल होती है और कहाँ इसने कितने गुना करके आपको पैसा बताया है। तो कंपाउंडेंट जो सेल्स ग्रोथ रही है, अगर हम 10 साल को छोड़ दें, 5 साल को छोड़ दें, 3 साल का ये पकड़ लेते हैं, तो 18% से ज़बरदस्त है। इसी प्रकार प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज़्यादा की है 3 ईयर्स का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर हम देख लेते हैं 3 ईयर्स की 17% से ज़्यादा की है, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है ऐसी बैंक में। तो इसीलिए बैंक प्राइवेट सेक्टर की नंबर वन बैंक है, दमदार बैंक है, और जो इसका टॉप सेगमेंट में है तो रिटेल बैंकिंग है। बहुत ज़्यादा या कॉरपोरेट या बहुत बड़ी इंडस्ट्रियों को लोन तो देती ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देती, जितना कॉरपोरेट बैंकिंग भी है उतना ही रिटेल बैंकिंग में भी है। छोटे छोटे कस्टमर्स को भी लोन देना, छोटी छोटी चीज़ें फाइनेंस करना, चाहे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे इंडिविजुअल लोन्स हों, इस प्रकार के इनका व्यवसाय है जो कि अच्छा चल रहा है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी देखते हैं। यहाँ पे हम एक चार्ट खोला है हमने मनी कंट्रोल के साइट पे, और यहाँ हमने देखी, यहाँ पे जो हम ये कर्सर लेके आए हैं 22 जून 2010 से शुरुआत करते हैं, दो बैंक को कंपैरिजन कर रहे हैं, HDFC बैंक और SBI बैंक, और 2010 से लेके 2019 यानी कि 9 जुलाई 2019 में अगर हम देखते हैं तो किसने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो HDFC बैंक ने दिया 521% का रिटर्न, और SBI बैंक जो कि PSU यानी पब्लिक सेक्टर की नंबर वन बैंक है, उसने 56% रिटर्न दिया है। तो दमदार बैंक HDFC बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 550 के करीब, और SBI भारतीय स्टेट बैंक ने 56% के आसपास का रिटर्न दिया है। ये हम डेटा दिखा रहे हैं, हम मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो इस तरीके से हमें कहाँ पैसे अपने लगाने हैं जहाँ कई गुना बन जाएं, या हमें लो रिस्क और हाई रिटर्न हो। अब अगर आपका 10 सालों में 9 सालों में पैसा 5 गुना हो जाता, बहुत बड़ी बात है, और सेफ यानी सुरक्षित, कोई रिस्क भी नहीं, तो इस तरीके के आपको प्रोडक्ट चुनने चाहिए जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी हो, जिनकी सेल्स ग्रोथ अच्छी हो, जिनका नेट प्रॉफिट हर साल
पढ़ के ही आता हो, बहुत बड़ी बात होती है इतनी बड़ी बड़ी बैंकों को अपने सेल्स वो अपने रेवेन्यू मेंटेन करना या उससे आगे बढ़ना, बहुत दबाव भी रहता होगा, प्रेशर भी रहता होगा, उस हिसाब से एक्सपेंशन करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरी टीम मेहनत करती है, इनका जो पूरा संगठन होता है, जो मैनेजमेंट होता है। तो इस प्रकार से आप अच्छे बैंकों का चुनाव कर सकते हैं। तो आज मुझे बताना था आपको HDFC बैंक में कि रिकॉर्ड डेट कब है, और हाँ वो भी मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको देखिए बैंक रिटर्न तो दे ही रही है, लेकिन उसके अलावा आपको डिविडेंड भी साल में हर साल देती है। देखिए यहाँ हर साल लगा रखा है डिविडेंड, शानदार डिविडेंड देती है, तो इसका भी लाभ ले। अब स्प्लिट भी होती है, उससे आपके शेयर पे जो है कई गुना हो जाते हैं जिस प्रकार से स्प्लिट होती है, या भविष्य में हो सकता बोनस भी दे, क्योंकि फेस वैल्यू तो एक की हो गई है, आने वाले समय में हो जाएगी। तो कई चीज़ें अगर हम मान के चलते हैं एक अच्छे बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले, तो मुझे लगता है कि जो समझदार निवेशक हैं इस पे ध्यान देंगे और अपना पैसा इसी प्रकार के बैंकों में, चाहे HDFC हो, चाहे ICICI हो, चाहे एक्सिस हो, चाहे बंधन बैंक हो जो कि नई बैंक है, लिस्टिंग हुई उसके 1.5 साल हुए, और इस तरीके से जो भी आपको पसंद हो उनके फंडामेंटल देखिए। हालांकि मैं कई बैंकों के, इंडसइंड बैंक है वहाँ भी, तो इस तरीके से कई बैंकों के मैंने रिव्यू दिए हुए हैं। जो भी आपको पसंद हो, आप चाहें तो इस गिरावट में, या फिर आप लेना चाहें तो अपने हिसाब से SIP करें, पूरा एक मुश्त रकम में डालें। अगर आपको बहुत बड़ा लमसम भी डालना है तो ऐसे प्रोडक्ट में डालें जिसमें रिस्क कम, लो रिस्क इन हाई रिटर्न है। तो यही है, और प्राइस ऑब्वियस सी बात है कि 20 सितंबर को जो है इसका आधा हो जाएगा, जो भी उस दिन प्राइस होगा। मैं नहीं कह रहा कि आज के भाव पे आधा हो जाएगा, जो भी उस दिन रेट रहेगा। तो जो लोग चाहें अभी से लेना शुरू करें, या जो लोग चाहें उस दिन भी ले सकते हैं, हो सकता है थोड़ा नीचे भी मिल जाए, हो सकता है स्प्लिट की वजह से थोड़ा ऊपर भी भाग जाए, या बैंकिंग सेक्टर ही पूरा आउट परफॉर्म कर रहा हो तो ये भी थोड़ा सा ऊपर के लिए मिले। तो ये थोड़ा समझदारी से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए आज मैं यहीं पे वीडियो वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।